नमस्कार फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल हॉट क्वेश्चंस में आप सभी का स्वागत है। आज जो बात करेंगे हम आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 की, जो उसमें से मैंने आपको बताया है रांची जोन का जो एक्सपेक्ट कट ऑफ है जो क्या जाने वाला है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है कि आपका जो स्कोर है वो सेफ है या नहीं, आप सीवन में जो आप स्कोर करके आए थे वो आपका सेफ है या नहीं है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी गई थी। वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, वीडियो स्केप नहीं करिएगा, वीडियो अगर स्केप करेंगे तो एक भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देर ना करते इस वीडियो को हम कवर करते हैं। तो बात करें आरआरबी एनटीपीसी रांची सीवेटी बन के एक्सपर्ट कट ऑफ की, तो रांची जोन का एक्सपर्ट कट ऑफ बताएंगे। साथ में हम आप तो हमने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये बताया है आपको कि आपका जो स्कोर है वो सेफ है या नहीं, आप सीवेटी 2 के लिए क्वालिफाइड होंगे या नहीं होंगे, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी गई है। अगर आप पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो सारी जानकारी आपको कवर हो जाएगी। हम आपको बताएं आरआरबी एनटीपीसी सीवेटी 1 के एक्सपर्ट कट ऑफ की, 100 नंबर के पहले पेपर में वही उम्मीदवार क्वालिफाइड होंगे जो कट ऑफ स्कोर जो कर पाएंगे। अगर जो कट ऑफ स्कोर जो पार कर पाता है वही उम्मीदवार जो है क्वालिफाइड होता है सीवेटी 2 के लिए। बात करें परीक्षा की, तो परीक्षा की डिफिकल्टी लेवल के अलावा इस बार जो कट ऑफ इस बात पर भी निर्भर करेगा कितने पदों में भर्ती की जानी है और कितने उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो आपको बताएंगे रांची जोन में जो टोटल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म कितने थे, जिसमें से आपके स्टूडेंट जो परीक्षा देने के कितने आए, तो सारी आज 7 बजे हम आपके सामने लेके आएंगे नॉर्मलाइजेशन का खेल। आरआरबी एनटीपीसी में जो नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है वो किस तरीके से किया जाता है, तो आरआर को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन का जो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो वो उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को हम कवर करते हैं। आरआरबी रांची एनटीपीसी 2016 की स्टेज 1 के एग्जाम कट ऑफ की बात करें तो मैं आपको बता दूं जनरल कैटेगरी का जो एग्जाम हुआ था आपका सीबीटी 1 में 2016 में, उसका जो कट ऑफ गया था 63.75 आपका कट ऑफ गया था। वही बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी का जो आपका कट ऑफ गया था 57.29 आपका कट ऑफ गया था। वही बात करते हैं एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी का जो आपका कट ऑफ गया था 45.48 कट ऑफ गया था। वही बात करते हैं एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी का आपका जो 48.58 आपका कट ऑफ गया था। ये सीबीटी 1 की बात हो रही है, 2016 में जो आपका सीबीटी 1 हुआ था रांची जोन की उसका कट ऑफ है। वही बात करते हैं आपके सीबीटी 2 की, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्लियर कर लेते हैं कितना डिफरेंस रहने वाला है हमारे 2021 में, ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो वही बात करते हैं आपके आरआरबी रांची एनटीपीसी 2016 की स्टेज 2 एग्जाम की बात करेंगे तो हम आपको बता दें जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है आपका 68.73 आपका कट ऑफ गया था। वही बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी का आपका 64.90 आपका कट ऑफ गया था। वही बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का आपका 59.5 गया था। वही बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का आपको जो 58.86 गया था। तो सीबीटी 1 से जो है सीबीटी 2 जो है हमारा थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट थोड़े कम रह जाते, इसी में से जो है हमारा कट ऑफ निकाला जाता, तो हमारा सीबीटी 1 से जो है सीबीटी 2 जो कट ऑफ हाई रहने वाला। तो ये दिमाग से निकाल लें, सीबीटी 1 का कट ऑफ गया हाई तो उससे कम सीबीटी 2 का रहेगा नहीं, सीबीटी 2 का जो है सीबीटी 1 से हमारा हाई कट ऑफ रहता। तो तैयारी अच्छे से बेस्ट करें, अगर सीबीटी 1 में आप क्वालिफाइड हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा आप सीबीटी 1 में क्वालिफाइड हो रहे हैं अगर नहीं हो रहे हैं, इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा आप सीबीटी 1 के लिए क्वालिफाइड होंगे या नहीं होंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वीडियो अगर स्किप करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपके। तो बात करते हैं आपके रांची जोन में, रांची जोन में जो आप टोटल वैकेंसी है किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी निकाली गई है। वही बात करते हैं जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में आपकी 248 वैकेंसी निकाली गई है। वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में आपकी 146 वैकेंसी निकाली गई है। वही बात करते हैं ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी में आपकी 368 वैकेंसी निकाली गई। तो वही बात करते हैं एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी का आपका 226 वैकेंसी निकाली गई है। वही बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का आपका 98 वैकेंसी निकाली गई। कुल मिला के एसटी कैटेगरी की जो वैकेंसी है आपके रांची जोन में वो थोड़ा कम है, और आपकी ओबीसी और आपकी जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है थोड़ा हाई है। तो बात करते हैं आपके टोटल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म की, रांची जोन में टोटल एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके कितने आए, तो 5,12,974 आपके टोटल जो है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म आए। तो उसमें से आपकी वैकेंसी जो है आपकी 1,386 आपकी टोटल वैकेंसी है। आरआरबी बोला है वैकेंसी का 27,720 जो कैंडिडेट है आपका सीवी टू के लिए क्वालिफाइड होगा, इतना तो पूरा क्लियर है, क्योंकि आरआरबी ने बोला है वैकेंसी का हर एक जोन में वैकेंसी का 20 गुना कैंडिडेट जो है सीवी टू के लिए चुना जाएगा। वही बात करते हैं टोटल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म की, तो टोटल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका हुआ है 5,12,974 आपके टोटल जो है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म हुए हैं रांची जोन में, उसका 55% स्टूडेंट जो परीक्षा देने के लिए आया। मैंने हर एक वीडियो आपको बताया 60 आया है, अब जो है आरआरबी ने खुद बोला है कि 55% स्टूडेंट जो परीक्षा देने के लिए आ रहा है। तो वही बात करते हैं 55% स्टूडेंट जो परीक्षा देने के लिए आ रहा है वो कितना होता है, तो वही बात करते हैं आपके 282,136 आपका टोटल जो है परीक्षा देने के लिए आया रांची जोन में, इससे ज्यादा परीक्षा देने के लिए नहीं आया। तो वही बात करते हैं आपके 282,136 में से हम आपको बताते हैं अगर डिवाइड करते हैं आपका 27,720 का, तो हमारा एक पर सीट का स्टूडेंट जो निकल के आता है, स्टूडेंट जो निकल के आता है एक सीट में जो स्टूडेंट फाइट करने वाले हैं, तो 10 स्टूडेंट जो है फाइट करने वाले। कहीं ना कहीं ये जोन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस जोन में जो है कंपटीशन थोड़ा कम है, क्योंकि हर एक जोन में मैंने देखा है 11, 12, 13, 14 और भी कंपटीशन है आई है इस जोन में, रांची जोन में जो है आपका 10 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जोन जो है आपका बहुत ही अच्छा जोन है। चलिए बात करते हैं इसके कट ऑफ की, 2021 में जो कट ऑफ किया जाने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं
दूं नॉर्मलाइजेशन का वीडियो हमारा 7 बजे आपको शाम को मिल जाएगा इस चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का खेल मैंने आपको बताया है, आरआरबी किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का खेल खेलती है आपके साथ में, पूरी जानकारी उस वीडियो के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन की दी गई है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको शाम को 7 बजे देखना है। बात करते हैं आरआरबी रांची एनटीपीसी 2021 की स्टेज 1 की एग्जाम की बात करते हैं। तो ये मेरा एनालिसिस है, इसमें मैंने आपको बताया है कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो वहीं बात करते हैं जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी का आपको 62 से 66 के बीच में रहेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस जो है आपका इस बार जुड़ा है, इसमें जो आपको कट ऑफ रहने वाला है वो 57 से 60 के बीच में कट ऑफ रहेगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। वहीं बात करते हैं ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी का आपका जो कट ऑफ है वो 58 से 62 के बीच में रहेगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। वहीं बात करते हैं एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी का आपका 54 से 58 के बीच में रहेगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। वहीं बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का आपको 50 से 53 के बीच में रहेगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। 53 हो सकता है पर 50 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा। मैंने आपको बता दिया इनके नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा, आपका इनके बीच में ही कट ऑफ रहेगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।